ये आपकी शर्ट? वो मम्मी ने कहा था कि ये आपके फेवरेट कलर की शर्ट है। लेकिन कल से पहले तो तुम मेरी फेवरेट नहीं थी। जी जानती हो कि अगर मैंने तुम्हें भूल न किया तो तुम्हें यहां से जाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि इस छत का साहिबान हमेशा तुम्हारे सर पर रहे तो तुम्हें मुझे कबूल करना होगा। जिस तरह तुमने वसीम को कबूल किया है क्या कह रहे हो आप? आइंदा मैं ये बात न सुनूं, खामोशी में ही आफियत है। चिपकली यहाँ तो नहीं है? मैंने वो देखी थी, यहीं पर थी चिपकली। होगी मगर अब तो कहीं भी नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल? वसीम को वीडियो कॉल करोगी है? जब तक वसीम वापस नहीं आ जाता तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। और अगर तुमने तबस्सुम के सामने जुबान खोली तो याद रखो वो तुम्हें खुद चुटिया से पकड़ कर बाहर निकाल देगी। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दे। इतनी दूर खड़ी हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गरीब आओ। अच्छा ये लो मोबाइल। गिले शिकवे पास आने से दूर होते हैं, यूं दूर रहकर नहीं दूर होते हैं। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ मत पकड़े डैड, प्लीज। बस अब ये फासले गुर्बतों में बदल जाने दो। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब तुम बार बार मछली की तरह तड़प के मुझसे दूर होती रहोगी तो एक न एक दिन तो कांटा तुम्हारे हलक में फंस ही जाएगा। घर से भाग कर मेरे बेटे को फंसा सकती हो, फिर तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं आपकी हर बात मानूंगी लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर किस तरह? इस तरह जबरदस्ती नहीं। चलो जबरदस्ती नहीं करता, छोड़ दी। मुझे कल तक का टाइम दे। कुछ चालाकी करोगे? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें टाइम क्यों मांग रही हो? मैं खुद अच्छी तरह से तैयार होऊंगी। अब आपके लिए स्पेशल सा खाना बनाऊंगी, हम साथ खाना खाएंगे और फिर अच्छा अच्छा समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक
ठीक ठीक ठीक ये नहीं, अब वसीम को वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है, है? खाना तो तुम बना ही रही हो कल, है ना? अरे आज तो जल परी लग रही हो, इतना कब? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना खाना बनाओगी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था ना, जो भी करूंगी दिल से करूंगी। हाँ तो इसका मतलब है कि आज से तुम्हारा दिल मेरा हो गया। बिल्कुल, देखिए कितना सारा मजेदार खाना मैंने आपके लिए बनाया ताकि हम दोनों हमेशा साथ हो जाए। अरे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। अंदाजा तो था आपको, तभी तो भावरे की तरह मेरे पीछे बड़े हुए थे। सॉरी मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, तुम तो बहुत अच्छी हो। जान, आंटी को कभी जान कहा है आपने? अच्छा छोड़ देना, आप जल्दी जल्दी खाना खाएं। मैं लम्हों को आपसे ज्यादा दूर नहीं करना चाहती। मुझे जल्दी जल्दी खाने के लिए कह रही और खुद इतनी धीमी रफ्तार। आपने मेरी रफ्तार भी देखी है? अरे वाह, तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। कितनी अजीब बात है ना कि ये सारे जायके चखते चखते इंसान भूल जाता है कि कभी उसे मौत का जायका भी चखना है। जिंदगी की उम्मीद देकर मौत की बातें क्यों कर रही हो? अगर इन्हीं बातों के दौरान मौत हमारे सर पर आ जाए तो? कैसी बातें कर रही हो जान? क्या हुआ? मैं सांस उखड़ने लगा है ना आपका? थोड़ी ही देर की अजियत है, फिर आपका दिल धड़कना भी बंद हो जाएगा। ये दुनिया को जहन्नम बना दिया था तुमने। तुम्हारी घटिया नजर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, मारो और मर जाओ। मेरी दादी कहती थी तो फिर क्या बेटा, रानी भागते भागते आई और दरिया में कूद पड़ी। रानी को किसी ने नहीं बचाया? इज्जत आगीने की तरह होती है, आगीनों को बचाने के लिए जिंदगी का सौदा महंगा नहीं। क्या मतलब? शरीफों का वतीरा है, इज्जत दांव पे लगे तो जान दे देनी चाहिए। तुमसे बचा
ईशा